नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। मैं अक्षय शुक्ला, आप देख रहे हैं टेक्निकल अक्षय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे देख सकते हैं। 2018-19 की नई लिस्ट आप अपने मोबाइल फ़ोन से देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको देखने को बताएंगे। देखिए, आपको यूट्यूब बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन उसमें क्या होता है, वो वीडियो पुरानी होती है और आप देखते हैं उसमें तो ऐसा होता नहीं जैसे उसमें बताया जाता है, क्योंकि वेबसाइट में बार बार बदलाव होता रहता है। और जो बताते भी हैं वो डिस्क्रिप्शन में कहते हैं, लिंक हमने दे दिया, उस पर जाके आप क्लिक करते हैं तो देख नहीं पाते, डाटा एरर आता है, नो डाटा फाउंड आ जाता है, या आपकी लिस्ट जो है पूरी पूरी लिस्ट आ जाती है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। हम आपको बताएंगे जिसमें आपको नाम के साथ आपके ग्राम पंचायत के किसको मिला है, कितना पैसा, नाम, आईडी, सब कुछ मिल यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं लिस्ट तो हमारा ये वीडियो लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि अगर लास्ट तक नहीं देखते हैं वीडियो तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं आप, तो सही से देख नहीं पाते, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए, बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू कर देते हैं, ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको जाना है गूगल पे, गूगल पे जाके आपको सर्च कर लेना है RH रिपोर्टिंग। यहाँ पर हमने सर्च किया हुआ है पहले से, तो ये आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद में आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे ऐसे देखिए, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ भाई लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लग जाता है। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है RH रिपोर्टिंग पे, सबसे ऊपर यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको बता दें, अगर कहीं आप दूसरे पेज पे चले जाते हैं, यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, अगर आप कहीं मान लो दूसरे पेज पे भी चले जाते हैं, क्योंकि ये वेबसाइट RH रिपोर्टिंग खोलते हैं तो कोई हो सकता है कि आपके सामने कोई दूसरा पेज खुल जाए। वेबसाइट यही होगी, लिंक यही होगा, लेकिन पेज कोई और खोल सकता है, ये हम मानते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पर हमने जो तीन लाइन है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, तीन लाइनों पर क्लिक करना है और यहाँ पर जाना है आपको होम पर। यहाँ पर होम का बटन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, यही आपको करना है। यहाँ पर होम पर क्लिक कर देंगे तो आप डायरेक्ट वेबसाइट की होम पेज पे आ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं दिक्कत नहीं होगी, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे तब आप, क्योंकि आप वैसे अगर करते हैं तो कहीं दूसरे पेज पे पहुँच जाते हैं, कहीं तीसरे पेज, किसी और पेज पे पहुँच जाते हैं, जिससे आपको पता ही नहीं चलता कि आप कैसे क्या करें, ठीक है। आपको होम पर सबसे पहले पहुँच जाना है, यही आपको लोग यहीं पर कन्फ्यूज कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है, होम पर जाने के बाद में रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। अब रिपोर्ट के बाद में आपको ऐसे कुछ आपके सामने खुल जाएगा, आप यहाँ पे दूसरे नंबर पे हाई लेवल फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है, आपको दूसरे नंबर पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, देखिए। तो यहाँ पर अभी आपको अपना, देखिए वीडियो को पूरा अगर नहीं देखेंगे तो कंफ्यूज आप हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे अब आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना ईयर, किस ईयर का देखना, किस साल का आप देखना चाहते हैं, 19, 20, 18, 19, 17, 18। तो हम अभी 18-19 पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में सेलेक्ट कर देना है यहाँ पर ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, सबसे ऊपर स्टेट में अपना स्टेट, आप जो भी आपका स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेंगे। हम उत्तर प्रदेश से हैं, हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जिला, आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेलेक्ट कर देना है। नीचे आपको अपना ब्लॉक जो भी है सेलेक्ट कर देना है, ब्लॉक सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा समय लग रहा है। उसके बाद में नीचे आपका ग्राम पंचायत जो भी है, गाँव ग्राम पंचायत, वो सेलेक्ट कर देना है यहाँ पे। अब फाइनली यहाँ पे आपको सबमिट का बटन दिया है, इस पर आपको क्लिक करके सबमिट कर देना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है सबमिट। सबमिट क्लिक करने के बाद में आप चाहें तो यहाँ पे इस फॉर्म को अगर डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पे डाउनलोड PDF पर क्लिक करके इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा, PDF फाइल में सारा डिटेल डाउनलोड हो जाएगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारे ग्राम पंचायत की, जो यहाँ पे ग्राम पंचायत का नाम, गांव का नाम, विलेज यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, विलेज का नाम, ये रजिस्टर्ड उनकी आईडी है, ये वेरीफिकेशन का नाम जो है संध्या देवी, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे लिस्ट आ चुकी है हमारे सामने, यहाँ पे फादर्स मदर्स नाम उनका जो भी, देव प्रकाश, उसके आगे जो हाउस अलाटेड टू, यहाँ पर देख सकते हैं जॉइंट हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के नाम से अलाट हुआ है। तो यहाँ पे उनका नंबर होता है वो है ईयर, तारीख किस तारीख को इनका फाइनल हुआ है, तो कितने रुपए मिले हैं, 1,20,000 रुपये मिला है इनको,
और 3 किस्तों में मिला, ये 1,20,000 3 किस्तों में मिला। यहाँ 1,20,000 अमाउंट रिलेटेड, यहाँ पे 1,20,000 3 किस्तों में मिला है और इनका जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे स्टेटस अगर किसी का पेंडिंग हुआ तो पेंडिंग दिखाएगा, कंप्लीट हुआ तो ये सारी कंप्लीट हैं, अभी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ही देखना है, अगर डाउनलोड करना चाहते हैं इसे, किसी और को भेजना चाहते हैं तो PDF यहाँ पे डाउनलोड करके किसी को भेज सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो हमारा अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। शेयर तो बिल्कुल ज़रूर कर दीजिए कि किसी और को भी पता चल सके इसके बारे में। देखिए नहीं चलता कि कैसे देखा जाता है, लोग बहुत कन्फ्यूज कर देते हैं, तो आपको वीडियो को शेयर ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद।